नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गिरिडीह जिले के बिंडी प्रखंड में पुलिस प्रशासन द्वारा खबर संकलन के दौरान पत्रकार का छीना मोबाइल। बिंडी थाना क्षेत्र के प्लांजिया थाना रोड में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद मामले में एक पक्ष द्वारा सड़क जाम कर दी गई। ज्ञात हो कि मौजा प्लांजिया खाता नंबर 20 प्लाट नंबर 52 निजी जमीन पर रैयत के द्वारा दुर्गा प्रसाद व माधव प्रसाद जाति कायस्थ के वंशजों द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों द्वारा उक्त जमीन को तालाब बताकर निर्माण कार्य को रोक दिया जा रहा था। ज्ञात हो कि इस जमीन मामले में अनुमंडल पदाधिकारी व अंचलाधिकारी द्वारा उक्त जमीन की जांच कर टांड घोषित किया जा चुका है, किंतु ग्रामीणों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी संदर्भ में प्लांजिया के ग्रामीणों द्वारा पुलिस को रोककर निर्माण कार्य बंद कराने की मांग कर रहे थे। पुलिस की गाड़ी में बिंडी थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस बल मौजूद थे। इसी बीच दैनिक अखबार हिंदुस्तान के रिपोर्टर विनय संगम द्वारा खबर संकलन के लिए फोटो व वीडियो बनाया जा रहा था। पत्रकार विनय संगम ने बताया कि इसी बीच बिंडी पुलिस के ड्राइवर मिथिलेश सिंह द्वारा भीड़ को हटाते हुए पत्रकार विनय संगम से मोबाइल छीनकर भला बुरा तथा जेल भेज देने की धमकी दी गई। कहा कि जिससे पुलिस की मनमानी व दबंगई साफ झलकती है। पत्रकार विनय संगम ने पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए इसे कानून का उल्लंघन बताया है तथा इस प्रकार के पुलिसिया रवैये से देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों पर खतरा बताया। इधर बिंडी थाना प्रभारी अमरजीत सिंह से संपर्क करने पर कहा कि काफी भीड़ थी, हंगामा हो रहा था, मोबाइल गिर गया होगा, लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं पीड़ित पत्रकार विनय संगम ने कहा कि ऐसे प्रशासन के द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या कहा ये देखते हैं। तो फिर आप बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। मैं विनय संगम, दैनिक हिंदुस्तान अखबार का पत्रकार हूं। आज बिरनी थाना रोड में एक जमीन विवाद का मामला था, जिसमें जमीन विवाद को लेकर के उनके पति थाना में आवेदन देने के लिए जब जाते हैं तो पुलिस वहीं उसको अरेस्ट कर लेती है। चार लोग रहते हैं तो उन महिलाओं ने यह सोच करके कि पुलिस का गाड़ी को बीच सड़क पर रोक दिया कि यदि मैं भी पुलिस थाना जाऊंगा तो मुझे भी लोग अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए मैं थाने से यहीं थानेदार को यहीं पूछता हूँ कि आखिर मामला क्या था कि उनको अरेस्ट कर दिया गया। इसी के लिए उसने पुलिस की गाड़ी को रोक करके उससे पूछना चाहा, लेकिन पुलिस उन महिलाओं का एक ना सुनते हुए वो सिर्फ ये कहने लगा कि रास्ता छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है, नहीं तो मैं आपको भी अरेस्ट कर लूँगा, उठा लूँगा, जेल भेज दूँगा। यही ये पुलिस के अग्रेसिव को देखते हुए हमने उसका वीडियो बनाना चाहा और मैं वीडियो बना रहा था। उसी दौरान थाना प्रभारी के सामने उसका जो ड्राइवर है वो मेरे से फ़ोन छीन लेता है और वो गाली भी देता है। और इस तरह से मेरा फ़ोन छीनने के बाद जब मैंने थाना प्रभारी को बोला कि आपके सामने मेरा फ़ोन छीना जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे को फिर फ़ोन दे दिया गया। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।